हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं बनाने वाली हूँ बनाना फ्लावर की रायता। उसके लिए आपको बनाना फ्लावर हाफ कप, ये है क्वार्टर कप नारियल, एक बड़ा ग्रीन चिली, क्वार्टर टीस्पून जीरा, क्वार्टर टीस्पून जीरा, क्वार्टर टीस्पून राई, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिलाया हुआ है। यह है क्वार्टर कप दही। अभी हम नारियल और ग्रीन चिली को ग्रेट करेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसमें ग्रेट किया और नारियल को दही में मिला दिया। यहाँ मैंने ऑलरेडी ये केले के फूल यानी कि बनाना ब्लॉसम को मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर बॉईल करके रखा है। इसके एक्स्ट्रा पानी जो है उसे हम निकालते हैं। और दही कोकोनट मिक्स में हम लोग मिला लेते हैं इसको भी। एक टीस्पून तेल गरम किया है मैंने, अभी इसमें हम तड़का देंगे। ये चाहे आप इसको थोड़ा सा स्वीट भी बना सकते हैं। स्वीट कैसे बना सकते हैं, स्वीट रायता कैसे बनाने का, ये जो केले के फूल हम बॉईल करते हैं हल्दी और नमक डाल के, वो टाइम में थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल सकते हैं।
गुड़ डालकर उसे बॉईल करें। उसके बाद आप नारियल, ग्रीन चिली, राय और जीरा पीस कर उसमें मिला लें। उसके बाद उसमें ठंडा होने के बाद उसमें आप दही मिला लें और तड़का राय, उड़द दाल, रेड चिली, कड़ी पत्ता, तड़का इसमें, ये आपकी खेल फूल की रायता तैयार है। आप इसे रोटी के साथ या पुलाव के साथ या प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। रेसिपी के लिए लॉग ऑन कीजिए rasavinsuvai.blogspot.in rasavin.blogspot.in। आप जैसा जानते हैं केले की झाड़ जो है उसके सभी पार्ट्स यूजफुल हैं। खास करके उसमें जो स्टेम जो आता है सफ़ेद कलर की, हम उसे ट्यूबलेट कहते हैं क्योंकि वो बनाना प्लांट के केला आने के बाद हम लोग बनाना प्लांट को जब भी काटते हैं उसका जो आउटर कवर्स जो भी है सब निकाल के अंदर एक ट्यूबलेट जैसा वो स्टेम मिलते हैं, वो एकदम औषधि गुण वाला है। उसको हम बारीक चॉप करके मिक्सर में डालकर फिर से थोड़ा पानी डाल के उसके जूस हम कंज्यूम करें खाली पेट में सुबह, तो किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा है। जिसको भी किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है उससे रिलीफ मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।